मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में पहला रोजा 23 मार्च को होगा। हलाल कमेटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन टोरंटो का कहना था कि 21 मार्च को मुल्क में कहीं भी मुसद्दिका ज़राए से चांद नजर आने की इत्तला नहीं मिली। कनाडा के कुछ इलाकों में मुसलमान दिन में 20 घंटे तक रोजा रखते हैं। कनाडा की फलस्तीनी आवाम के बारे में इजरायली वजीर खजाना के रिमार्क की मजम्मत। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के तर्जुमान का कहना था कि इजरायली वजीर खजाना के शर्मनाक तबसरे नाकाबिल कबूल हैं। इजरायली हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो इन तबसरों को मुस्तरद करें। चीन का अमन मंसूबा यूक्रेन जंग के खात्मे की बुनियाद बन सकता है। रूसी सदर का कहना था कि रूस चीन की तवानाई जरूरियात पूरी कर सकता है। चीनी सदर का कहना था कि नए मकासद के हुसूल के लिए दो तरफा अमली तआवुन को फरोग देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के करीब रुकावटें खड़ी कर दी गईं। साबिक सदर के हामियों की जानिब से फ्लोरिडा में रैली का इनेकाद। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. Shawarma, now serving from four locations. कनाडा में बसने वाले मुसलमान 23 मार्च को पहला रोजा रखेंगे। हलाल कमेटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन टोरंटो ने 23 मार्च को कनाडा में यकुम रमजान का ऐलान कर दिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा में बसने वाले मुसलमान 23 मार्च को पहला रोजा रखेंगे। हलाल कमेटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन टोरंटो ने 23 मार्च को कनाडा में यकुम रमजान का ऐलान कर दिया। हलाल कमेटी का कहना है कि आज 22 मार्च को 30 शाबान है और कल 23 मार्च को यकुम रमजान होगा। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन के साथ साथ यूरोपीय ममालिक जैसे बरतानिया, नैदरलैंड्स और फ्रांस की तरह कनाडा में भी मुसलमान 23 मार्च को मुकद्दस महीने का रोजा रखेंगे। हलाल कमेटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन टोरंटो की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 21 मार्च को मुल्क में कहीं भी मुसद्दिका ज़राए से चांद नजर आने की इत्तला नहीं मिली है। ख्याल रहे कि कनाडा में साइंसी कैलेंडर की बुनियाद पर मुख्तलिफ मसाजिद पहले ही जुमेरात के पहले रोजे का ऐलान कर चुकी हैं। कनाडा में एक ही दिन रमजान के आगाज पर मुस्लिम कम्युनिटी ने मुसरत का इजहार किया है। कनाडा के कुछ इलाकों में मुसलमान दिन में 20 घंटे तक रोजा रखते हैं। दूसरे इलाकों में जहां सूरज मजीद शुमाल में गुरूब नहीं होता, लोग करीबी शहर के औकात की पैरवी करते हैं। वाज़ेह है कि शुमारियात कनाडा की 2021 की मर्दमशुमारी के मुताबिक इस्लाम कनाडा में दूसरा सबसे ज्यादा रिपोर्ट होने वाला मजहब है। मर्दमशुमारी के मुताबिक 2001 से 2021 के दरमियान कनाडा में मुसलमानों की आबादी मजमू आबादी के 2% से बढ़कर 4.9% हो गई है। इसमें तकरीबन 1.8 मिलियन अफराद हैं।
कनाडा इसराइल के वजीर खजाना के तबसरों की मजम्मत कर रहा है, जिसने दावा किया कि फलस्तीनी तारीख या सकाफत नाम की कोई चीज़ नहीं है और फलस्तीनी आवाम जैसी कोई चीज़ नहीं है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा ने फलस्तीनी आवाम के बारे में इसराइली वजीर के शर्मनाक रिमार्क्स की मजम्मत की। कनाडा इसराइल के वजीर खजाना के तबसरों की मजम्मत कर रहा है, जिसने दावा किया कि फलस्तीनी तारीख या सकाफत नाम की कोई चीज़ नहीं है और फलस्तीनी आवाम जैसी कोई चीज़ नहीं है। बेजलर इस मुतरक और जो मकबूजा मगरबी किनारे के इंतजामी अमूर के भी जिम्मेदार हैं, ने यह तबसरा फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस में अपनी तकरीर के दौरान किया। क्या फलस्तीन की कोई तारीख या सकाफत है? कोई भी नहीं है। उन्हें सोशल मीडिया पर वसी पैमाने पर शेयर की जाने वाली फुटेज में ये कहते हुए सुना जा सकता है, फलस्तीनी आवाम नाम की कोई चीज नहीं है। जब स्मोटरिच के बयान पर रद्द अमल के लिए पूछा गया तो ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के तर्जुमान ने दो रियासती हल के लिए कनाडा की हिमायत का हवाला दिया। वजीर स्मोटरिच के ये शर्मनाक तबसरे नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान ने एक ईमेल में कहा, हम इसराइली हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो इन तबसरों को मुस्तरद करे और कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने के लिए, जब हम छुट्टियों के अहम मौसम में दाखिल हो रहे हैं। स्मोटरिच, जो वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के सख्त इत्तेहाद में एक मजहबी कौम परस्त जमात के सरबराह हैं, ने यह तकरीर उसी दिन की जब इसराइली और फलस्तीनी हुकाम की मिस्री सैरगाह शर्म अल शेख में मुसलमानों के मुकदस महीने से कबल रमज़ान और यहूदी फसख की छुट्टियों के दौरान कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात के लिए मुलाकात हुई। आने वाला दौर हसास है, क्योंकि यहूदी और मुस्लिम वफादारों की बड़ी तादाद यरूशलम के पुराने शहर में दाखिल हो रही है, जो कि तनाज़ात का जज्बाती मरकज और तशद्दुद के लिए एक फ्लैश पॉइंट है। दीगर मगरबी इत्तेहादियों ने भी स्मोटरिच के रिमार्क्स पर तनकीद की। गुज़िश्ता एक साल के दौरान इजरायली फोर्सेस ने जंगजुओं और शहरियों समेत 250 से ज़ायद फलस्तीनियों को ब्लॉक किया है, जबकि फलस्तीनी हमलों में 40 से ज़ायद इसराइली और गैर मुल्की हलाक हो चुके हैं। फलस्तीनियों के साथ बढ़ती हुई कशीदगी इसराइल के अंदर अदालती निज़ाम को तब्दील करने के नेतन्याहू के मंसूबों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरों के साथ मिलती है। रूसी सदर व्लादिमिर पुतिन का चीनी हम मनसब से मुलाकात के बाद कहना है कि चीनी सदर से बिला तकल्लुफ और बामायने गुफ्तगू हुई है। चीन का अमन मंसूबा यूक्रेन जंग के खात्मे की बुनियाद बन सकता है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। रूसी सदर व्लादिमिर पुतिन का चीनी हम मनसब से मुलाकात के बाद कहना है कि चीनी सदर से बिला तकल्लुफ और बामायने गुफ्तगू हुई है। चीन का अमन मंसूबा यूक्रेन जंग के खात्मे की बुनियाद बन सकता है, जबकि रूसी वजारत खारजा ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए हतमी अमन मुजाकरात में यूक्रेन के अहम मगरबी शराकत दारों की शमूलियत को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने चीन की रूस यूक्रेन अमन तजावीज से मुतालिक कहा है कि ये बात शकूक पैदा करती है कि चीन यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ्फुज़ कर रहा है। रूस के दो रोज़ा दौरे के दौरान अपने हम मनसब व्लादिमिर पुतिन से मुलाकात के बाद चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि चीन रूस तआवुन में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दोनों ममालिक के तआवुन के इब्तदाई फवायद देखे जा सकते हैं। चीन और रूस को मजीद तआवुन को आगे बढ़ाना है। नए मकासद के हुसूल के लिए दो तरफा अमली तआवुन को फरोग देना चाहिए। रूसी सदर पुतिन का कहना था कि मुलाकात के दौरान चीनी सदर से साइबेरिया गैस पाइपलाइन पर बात हुई। चीनी सदर को बताया कि रूस चीन की तवानाई जरूरियात पूरी कर सकता है। साइबेरिया गैस पाइपलाइन के तमाम अमली पहलुओं पर इत्तेफाक हुआ है। रूस 2030 तक चीन को 98 BCM तक गैस फराहम करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि चीनी कारोबारी कंपनियों को रूस छोड़कर जाने वाली मगरबी कंपनियों की जगह देने के लिए तैयार है। मुलाकात के दौरान चीन तक शुमाली समंदरी रास्ते की तामीर के इम्कान को भी देखा गया है। याद रहे की चीन ने गुज़िश्ता माह रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए एक मनसूबा जारी किया था। चीन की अमन तजावीज में रूस यूक्रेन अमन बातचीत इलाकाई सालमियत का एहतराम और जंगबंदी शामिल है। दूसरी जानिब रूसी वजारत खारजा ने अपने बयान में बताया कि अमरीका बरतानिया जर्मनी और फ्रांस को किसी भी अमन मुजाकरात में काबिल एतमाद सालिस नहीं समझा जा सकता, क्योंकि तनाजे में उनकी शमूलियत गैर जानिबदाराना नहीं। रूसी वजारत खारजा का दो टोक जवाब जर्मन सिफारतकार वॉल्फ गैंग स्किंगर के बयान के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन जंग खात्मे के लिए अमरीका बरतानिया फ्रांस और जर्मनी पर मबनी मगरबी सालसी ग्रुप तश्कील देने की तजवीज़ दी थी। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के करीब रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं और पुलिस हाई अलर्ट है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के करीब रुकावटें खड़ी कर दी गई और पुलिस हाई अलर्ट है।
साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खदशा जाहिर किया है कि उन्हें 2016 में स्टॉर्मी डैनियल्स को $130,000 की अदायगी के मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। इस केस में आगे क्या होता है इसका इन्हिसार न्यूयॉर्क सिटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एलन ब्रैक पर होगा, लेकिन अगर ट्रंप के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज होता है तो वो गिरफ्तार किए जाने वाले पहले साबिक अमरीकी सदर होंगे। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट से मुताबिक ग्रैंड ज्यूरी डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म से मुतालिक वोटिंग आज कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात में दोबारा हिस्सा लेने की ख्वाहिश का इजहार किया है, जिसको देखते हुए इस मामले का फैसला इंतहाई अहम हो गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फर्द जुर्म अगले हफ्ते मैनहट्टन कोर्ट में ट्रंप पर चार्जेस के ऐलान से कबल भी आयद हो सकती है। दूसरी जानिब साबिक सदर के 40 के करीब हामियों ने फ्लोरिडा में रैली निकाली, जबकि न्यूयॉर्क सिटी में ट्रंप की मुखालफत में रैली निकाली गई। वाज़ेह रहे कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर 2016 के इंतखाबी मुहिम में अमरीकी अदाकारा को रकम देने का इल्ज़ाम है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।